रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल आज भी जारी, जनता को हो रही है परेशानी। परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ करे जमकर नारेबाजी। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल अब तूल पकड़ती जा रही है, आज भी कई बसों के चक्के जाम रहे। हालांकि हड़ताल एक दिन की थी, लेकिन इनका कहना है कि सरकार के रवैये को देखकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इनका कहना है कि परिवहन मंत्री ने समझौता लिखित में कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद कमेटी के बीच डाल के आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि आचार संहिता लग जाए। आज भी कर्मचारी ने यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और अपने बसों के चक्के जाम करे। हमारा क्या 27 जुलाई को हमने हड़ताल खत्म करी थी, 3 दिन की हड़ताल करी थी। उसमें हमारा समझौता हुआ था जिसमें 4 मांगे सरकार ने मान ली थी, और लिखित समझौता हुआ जिसमें परिवहन मंत्री साथ में है, उन्होंने उस समझौते को कमेटी पर डाल के और इसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि आचार संहिता लग जावे, तो रोडवेज का कर्मचारी इतना बेवकूफ़ भी नहीं है जो आचार संहिता तक इंतजार करेगा इनकी कमेटियों का। इसलिए हमारे संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लेके और कल 17 तारीख से स्ट्राइक शुरू करी थी, एक दिन की स्ट्राइक करी थी हमने। उसके बाद में आगे निर्णय लिया कि अब अनिश्चितकालीन ही जाना पड़ेगा, जहाँ तक भी जाना पड़े वहाँ तक हम जाएंगे। और इस रोडवेज के बंद होने की वजह से आज हमारी जो पब्लिक है, जनता है, राज्य की परेशान हो रही है, वो सरकार की वजह से हो रही है। हमारी जायज़ मांगे, कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम जानबूझ के जनता को परेशान करना चाहते हैं। हमें हमारे पास में रोडवेज में सामान नहीं आ रहा है, बसों को ठीक कैसे किया जाए, बसें दिलाने के नाम पे मना कर रही है और उसके टेंडर डलते हैं उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं, 4 साल से कोई बस नहीं दी रही हमारे को। और दूसरी बात, हमारे स्टाफ की ज़रूरत है। 7 आदमी का सेक्शन चलता था, वो आज 3 आदमी 4 आदमी से सेक्शन चलाया जा रहा है। जहाँ 4 ड्राइवर की जरूरत है, वहाँ 2 आदमी 3 आदमी से चलाया जा रहा है। आज किसी ड्राइवर को अगर नींद आ जाती है, उसको अगर 24 घंटे काम लोगे, तुम 16 घंटे काम लोगे 8 घंटे की जगह, उसको कभी भी नींद आ जाती है तो उसका भी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। वो उस ड्राइवर भी मरता है, 50 सवारी भी मरती है साथ में। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक परेशान हो, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार सुने और हमारी मांगे पूरी करे और इस रोडवेज का चक्का खुलवाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, कोई भी यात्री हमारी तरफ से परेशान ना हो। महावीर सिंह रावत, सचिव, संभागीय सचिव, मजदूर कांग्रेस इंटक।